हेलो एवरीवन, ज़रा मौसम पहले चेक करें। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। मौसम चेक करने के बाद अब ज़रा भाई की लुक चेक करें। और भाई की लुक चेक करने के बाद आप जरा ऑफिस का माहौल चेक करें। ये वो ऑफिस है जिसमें भाई काम करता है। द बेस्ट वेदर टू गो टू ऑफिस, सुबह होते रही है, पौधे शौधे, बेहतरीन मौसम, कमाल दा काम। इसी एनू कहते ने ऑफिस जाना। चलें जी, स्पीड मारें, जरा पहुंचे। बहुत प्यारी लगी। ओके जी, स्टाइल वगैरह मारन तो बाद नाउ इट्स टाइम टू डू सम वर्क। नवें काम, नवें एक सब्जेक्ट की तैयारी है। सो लेट्स सी। सो नवें सब्जेक्ट्स के उत्ते कम करते करते इन द एंड आई केम एंड सेट इन दिस मीटिंग, और मीटिंग से बाहर निकलते साथ ही क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। जो आप आज लग रहे हैं, क्या बात है, खूबसूरत है। आपकी जो चॉइस है, जो कलर है, फिर उसके साथ जो कम्बिनेशन आपने पक्का बनाया है, तो सर क्या खूबसूरत है आपको, क्या खूबसूरत। और मैं ये समझता हूँ वैसा कि जब आप मौसम तब्दील हो रहा हो उससे पहले जब आप ड्रेसिंग पे काम करते हो तो उसमें जो आप दूल्हा होते हैं गवर्नर हाउस के आज के दूल्हा है पवन सिंह अरोड़ा साहब। कहते हैं तबीयत के दिमाग की दिमाग। दिस डे इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज। मेरा ऑफिस, मेरे ऑफिस की विंडो है जी, आओ तो ऑफिस भी दिखा देने। आज चीमा साहब माई फेवरेट फोटोग्राफर, और मैं इन्होंने फेसबुक पे भी फॉलो कर रहा हूँ। So been a very hectic day since this morning. बहुत ज़्यादा जगहों पर जाना था, हो के आए हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जिनको करना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ इट्स अ लिटिल बिट ऑफ ईजी टाइम, थोड़ा सा ब्रेक का टाइम है, थोड़ा सा रेस्ट का टाइम है, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट। इनसे मिलें जी, ये हैं जहीर सलेरी साहब, ये CM मीडिया सेल के इंचार्ज हैं। इनके छोटे कद पे ना जाएं, ये जितने छोटे हैं उतने ही ये तीखे हैं। कैसे हैं सर आप, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? सर आपने जो इंट्रो कराया है, मैं आपको खलील रहमान कमर की तरह डील करना चाहता हूँ अब। वैसे तो आपके मुंह से कभी सीधी बात निकलती नहीं है, लेकिन चलो आप अभी भी तवक्को ना करें, आप ड्यूटी पे हैं, आप अपनी ड्यूटी करें, बजाय इसके कि आप फिर मारवी सरमद की तरह नाराज हो जाएं। मौसम तब्दील हो रहा है, चूँकि सर्दियां जा रही हैं, गर्मियां आ रही हैं, तो सर्दियों के जाते जाते इस धूप का थोड़ा सा मज़ा लेना बनता था। तो दैट्स व्हाई मैं अभी एक छोटी सी ब्रेक लेके, वैसे तो नॉर्मली लोग नैप ब्रेक लेते हैं, लेकिन मेरी नॉर्मल ब्रेक है, उस ब्रेक को लेके तो मैं थोड़ी देर के लिए ज़रा सूरज की रोशनी में बैठा हूँ। द डे इज़ गोइंग गुड सो फार, बहुत से लोगों ने तारीफ़ की है और आई एम क्वाइट हैप्पी। एवरीवन हु इज़ मीटिंग मी वो यही कह रहा है कि यार आपका सूट बहुत कमाल का है। मुझे लग रहा है कि इस चैलेंज को लेते हुए, नॉट जस्ट दिस चैलेंज बट आई थिंक आई विल हैव टू मेक इट रूटीन कि मैं ज़्यादा मोर ऑफन इस तरह के ड्रेसेस पहनूं, विच इज़ आई थिंक गोइंग टू बी गुड फॉर मी, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ वेदर आई थिंक इट विल बी वेरी गुड। And with that we came back to the office and a couple of meetings, and after that ये जो चल रहा है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आए हैं गवर्नर साहब से मिलने के लिए। गवर्नर साहब इज़ काइंड इनाफ टू गिव दैम सो मच टाइम, एंड इतना टाइम कि मैं भी खड़ा खड़ा थक गया और उसके बाद मुझे बैठने की ज़रूरत महसूस हुई। मैंने कहा चलो बैठ जाते हैं, बैठे थे तो ओ ये जो पीछे अंकल बैठे हैं ये मेरे फेवरेट अंकल हैं, इनकी मूंछें देखें कितनी फिट है, ये राजा साहब हैं। सो गवर्नर साहब ने बच्चों को टाइम दिया, एंड ही इज़ काइंड इनफ टू टीच देम एंड गाइड देम अबाउट देयर करियर एंड देयर थिंग्स एंड वट एवर देयर डूइंग। और आपको लग रहा है कि अगर मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं मोबाइल नहीं यूज़ कर रहा, ये मैं कोई काम कर रहा था, मैंने रख दिया मोबाइल, अंकल ने उठा लिया। काफ़ी टाइम गुजरने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अब हमें इस इंटरव्यू सेशन को ख़त्म कर देना चाहिए। And then Governor Saab gave his advice to the students.
बच्चे जो जो बंदे का दिल करता है ना वही करे तो कामयाब। मैंने भी बड़े गौर से सुना, चाहे वालदैन उस पर आप इम्पोज करें, भाई करे, कोई करे, जो जी चाहता नहीं है, नहीं एक्स्ट्रा टाइम, लेकिन अगर आपको मेहनत करने के आदी है तो आप कामयाब हो। अगर आप मेहनत करने के आदी नहीं है, आपका अपने आप पे डिसिप्लिन नहीं है, टाइम नहीं है, फोकस नहीं है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारा मैंने देखा है कि बहुत से टैलेंटेड लोग, बिजनेस के लोग, दे वांट टू डू 20 थिंग्स एट वन टाइम, नहीं हो सकता। एग्जैक्टली नहीं हो सकती, और गौरव साहब सही बता रहे हैं, क्योंकि वो खुद बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं एंड ही नोज सो मेनी थिंग्स। एनी हो, बच्चों के साथ इंट्रोडक्शन हुआ। जितने दुख से इन बच्चों ने ओ किया है, मेरा खुद का ओ निकल गया था। खैर, इसके बाद बच्चों के साथ हुई एक बहुत अच्छी सी ग्रुप फोटो, यादगारी तस्वीर, और उसके बाद जितने प्यार से मुझे बुलाया गया था सर, उतने ही प्यार से मैंने इग्नोर किया और आगे चल दिया, क्योंकि बहुत थक चुका था यार। द डे हैज कम टू एन एंड, नाउ आई एम गोइंग फॉर अ वॉक। ना शाम हो रही है, जगह देखने के काबिल है, परिंदे, आई मीन कौवे। ये वो रास्ता है जो सुकून की तरफ जाता है, और सुकून हासिल करने के लिए आपको जिंदगी के सारे काम खत्म करने पड़ेंगे जो कभी नहीं होते। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैज बीन डन इन दिस डे, घूमते फिरते, तुरते, चलते फिरते, अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड मेट अ लॉट ऑफ पीपल। ऑफिस द टाइम हम तकरीबन ख़त्म होने वाला है। दिस इज वन ऑफ द ईजीएस्ट डे, दैट्स वाई मैंने चूज़ किया कि अज मैं एक लॉग भी बना ला या ना ला, और ईजी होने के नाल नाल टाइम जोड़ा वो मिल गया गलबात करन दी। अदरवाइज ऑफिस इज सो हैक्टिक दैट यू कैन नॉट गेट टाइम टू टॉक टू एनी वन, एंड नाउ इट्स टाइम टू यू नो लाइक रिलैक्स अ लिटिल बिट। This is the place that I'm going to show you in just a while. This is one beautiful, pleasant and magnificent place. Let's go there. परिंदों की आवाज़ सुने, जगह का एम्बियंस चेक करें, और भाई की वॉक चेक करें, और उसके बाद ऊपर से इस जगह के लुक, ओए होए 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 होए। सो वेरी प्लेजेंट एनवायरनमेंट एंड खूबसूरत जगह। आफ्टर वर्किंग फुल डे आई थॉट कि थोड़ा जहा जगह नु एक्सप्लोर करना चाहिए, थोड़ा जहा घूमना फिरना चाहिए, और ना सिर्फ घूमना फिरना चाहिए जगह को देखना भी चाहिए कि कितनी खूबसूरत जगह। सर राइट बिहाइंड मी इज अ लेक, ब्यूटीफुल लेक दैट यू कैन सी, एंड लेक के नाल नाल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू बी। सो द डे हैज़ बीन वेरी गुड सो फार, ऑफिस का दिन अच्छा गुजर गया, अ लॉट ऑफ पीपल लाइक माई दिस ड्रेसिंग, सफारी सूट वॉज अप्रिशिएटेड बाय a lot of people, though one of my friend made jokes on me, but that was a friendly life. But otherwise in office and everywhere people actually asked me ke, where did you get this suit from, and I told them that I get it from Pensy garments. So not just the suit, it gave me a new entire new look that I have never thought of, and interesting ye hai ke jab to kisi apne attire ko hat ke koi aur tarah ka attire pehante ho तो डेफिनेटली तुझे डिफरेंट लगते हैं, एंड ट्रेंड है, डिवेलप करना थोड़ी ख्वाहिश है, थोड़ा शौक है। मैं पहने आई लाइक इट, मेरे बहुत बढ़िया लग्या, एंड आई इट्स वेरी कंफर्टेबल। द मेन थिंग इज दैट इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, मैंने बढ़िया लग्या, बाकी लोगों को कि लगेगा ए तुसी दसना, बट स्टिल दिस इज अ गुड थिंग। It was a sunny day so far, but now I think the rain is going to start. So before the rain starts, I have to reach my office as soon as possible, or maybe I should just leave for home, or I don't know what to do now, but the weather is getting worse. Actually pleasant, but let's see what I do now.